हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग चैप्टर बैक एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर फोर्थ। टुडे वी विल कंप्लीट दिस बैक एक्सरसाइज। ओके, फर्स्टली वी विल डू इन शब्दों के विलोम उल्टे अर्थ। मतलब विलोम शब्द होता है बच्चे जिसका मीनिंग ऑपोजिट हो, तो वो हमने शब्द लिखने हैं इन शब्दों के। फर्स्ट है बुद्धिमान। बुद्धिमान का आंसर क्या होता है? बुद्धिमान मतलब जो समझदार है, उसका उल्ट क्या आएगा? उसका विलोम होता है मूर्ख। धनी का क्या होता है? निर्धन। जिसके पास धनी, जिसके पास धन हो, और निर्धन जो जिसके पास धन ना हो। बाहर तो हम जानते ही हैं ना, और अंदर मतलब इसका विपरीत होता है, विलोम होता है बाहर का अंदर। सुबह मॉर्निंग, उसका शाम इवनिंग। पसंद, पसंद होता है किसी चीज़ को हम लाइक करते हैं, और डिसलाइक मतलब नापसंद करना, उसको उल्ट यही होएगा ना। दुखी, दुख और सुखी। इसका सुखी होगा, दुखी का सुखी होगा, खुश नहीं होएगा। यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया, आई विल सेंड राइट PDF टू यू। दुखी का होएगा सुखी। कल, आज। कल का क्या होएगा? आज। साधारण का असाधारण, मतलब कल का तो आज आपको पता चल गया कैसे। साधारण जो होता है, मैंने बताया था ना ऑर्डिनरी, तो साधारण का मतलब जो असाधारण, उसका उल्ट क्या होगा? असाधारण जो मतलब अब नॉर्मल थिंग हो, जो हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कह सकते हैं, वो चीज़ है साधारण का। असाधारण मतलब जो नॉर्मल नहीं है। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग लिखने आते हैं ना बच्चे। राजा का क्या होगा? हरानी, क्वीन, है ना। चोर का चोरनी, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। आदमी का औरत, मतलब आदमी क्या होता है? जो मेल होते हैं, और औरत क्या होती है? जो फीमेल होता है। नौकर, काम करने वाला, और नौकरानी उसकी जो हम कह सकते हैं उसकी वाइफ कह सकते हैं, या फिर वैसे ही कह सकते हैं। अभी अगर कोई लड़की है, मान लो छोटी सी लड़की, जो अनमैरिड लड़की किसी के घर में काम करती है, तो वो नौकरानी होएगी। ओके, नेक्स्ट, जिसके पास बहुत बुद्धि हो। हमने इसके लिए अनेक शब्दों में के लिए एक शब्द लिखना, जिसके पास बहुत बुद्धि हो। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, उसका क्या आंसर होएगा? बुद्धिमान। नेक्स्ट, जिसके पास बहुत धन हो। मैंने बताया था ना, जिसके पास बहुत धन होता है वो क्या होता है? धनी होता है। व्यापार करने वाला, व्यापारी, जो व्यापार करता है, जिसका काम व्यापार करना है, लेन देन करना है, मतलब एक चीज वस्तुओं को एक से बेचना कह सकते हैं हम, तो वो क्या व्यापारी होता है। जा, हेल्प करता है वस्तुओं को बेचने में किसी की। चोरी करने वाला, चोर, जो चोरी करता है उसको क्या कहते हैं? चोर। ये गलत बात है ना। बहुत कीमत वाला, कीमती, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो। प्रीशियस मतलब जिसकी कीमत हो, जिसकी काफ़ी कीमत। कीमत का मतलब समझो, जिसके ज़्यादा पैसे दिए जाए तो वो क्या होता है? कीमती। उसके बाद हमने क्या करना है? वाक्यों में प्रयोग बना, वाक्य बनाने हैं। चतुर, तो हम क्या कह सकते हैं? मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, मतलब अपने अकॉर्डिंग मैंने ईजी बनाया, लेकिन यू कैन डू अकॉर्डिंग टू योर माइंड सेट अप ऑल्सो, बट द लाइन शुड बी राइट। चतुर, वह चतुर लड़की है, मतलब वो चतुर आप समझते हो ना, जो बहुत ज़्यादा तेज़ हो, तो वो एक चतुर लड़की है। सामान, मेरा कुछ सामान खो गया है, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इजी लाइन, कोई एनीबडी कैन अंडरस्टैंड। सामान, मेरा सामान खो गया है, मेरा कुछ सामान खो गया है, आप कुछ भी लिख सकते हो। मेरा, मैंने नया सामान लिया, कुछ भी, आई थिंक सो दिस इज़ अ राइट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, दैट्स वाई। ओके, छोटा, श्याम राम से का छोटा भाई है, लिख सकते हैं, वेरी इजी। साधारण, राजा साधारण व्यक्ति नहीं होता, मतलब हम इसमें वो भी लिख सकते थे कि जो चड़ियाँ थी वो साधारण नहीं दिया थी, लेकिन इसमें ये आई थिंक सो ज़्यादा इजी है कि जो राजा होता है वो नॉर्मल बींग नहीं होता, तो उसका क्या? राज, नॉर्मल तो हम कह सकते हैं, लेकिन ऑर्डनरी बींग नहीं होता वो, तो इसका साधारण का मीनिंग यही है, राजा साधारण व्यक्ति नहीं होता। लंबाई, राम की लंबाई कम है, कम है मतलब लंबाई, उसकी हाइट हम कह सकते हैं कम है, छोटी है। So this is this was our back exercise. I will send this PDF also. You should revise this back exercise at home. Okay, students. Goodbye.